जम्मू कश्मीर कुलगाम का देवसर इलाका, दो आतंकवादियों के साथ घंटों चलता संघर्ष और अंत में सेना के जवानों ने दोनों को कर दिया ढेर। ये तस्वीर है लश्कर ए तैयबा के कमांडर हैदर की, जिसने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में दो साल से आतंक फैला रखा था, लेकिन अब हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने इसे दोजख में पहुंचा दिया है। नाम हैदर, पहचान लश्कर ए तैयबा का कमांडर, काम दो साल से अधिक समय से आतंकवादी घटनाओं में सक्रिय, नागरिक पाकिस्तानी। लश्कर ए तैयबा का कमांडर हैदर पाकिस्तान का रहने वाला था और उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में दो साल से अधिक समय से सक्रिय था। यह हाल ही में दक्षिण कश्मीर में हुए कई आतंकवादी हमलों में भी शामिल रहा था। हैदर के खात्मे को सेना की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पास से एक AK-47, एक पिस्तौल और कई हथगोले भी बरामद हुए हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादियों के होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद रात में पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सर्च टीम छिपे हुए आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंची, इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। सुरक्षा बलों के लिए अब तक का ये साल कामयाबी भरा रहा है। सुरक्षा बलों ने 16 विदेशों सहित 67 आतंकवादियों को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक मारा गया दूसरा आतंकवादी कुलगाम का ही शाहबाज शाह है, जो 13 अप्रैल 2022 को अल्पसंख्यक समुदाय के सतीश कुमार सिंह की हत्या में शामिल था।